मैं जुड़ता हूँ तो एक दो दिन से जुड़ जाता हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मोहब्बत करता हूँ, लगाव करता हूँ, तो दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं। धरती पे किसी से कोई इंसान किसी से दूसरे से कोई छुपा सकता है और उनसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। सही बात है, वो सब देखते दिल महासागर है। उनसे डरता हूँ बाकी इस दुनिया में कहा प्यार तो है रे पगला, प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन कुछ मेल हो या कुछ फीमेल हो प्यार के लोग मजाक उड़ाते हैं। बोले के मैं नहीं बोलता हूँ, कोशिश करूंगा कि नहीं है बोलूं, नहीं है बोलूंगा, लेकिन तेरे पगल आए तो खुद हम अदरा बोल देगी बोलती है। लेकिन जो आप लाइन गा रहे हैं सीरियस बोल रहे हैं। एक तरफ जहां लोग पवन सिंह को प्लेबॉय कहते हैं, एक तरफ जहां पवन सिंह की खुद की पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह पर ये आरोप लगाती हैं कि वो रिश्तों का कद्र नहीं करते, उन्हें इंसान की अहमियत नहीं है, उन्होंने मेरे साथ 5 साल का रिश्ता भी खत्म कर दिया बिना सोचे बिना समझे, एक पल में, वो मेरे साथ होते हुए भी दूसरों के साथ रहते थे, वो मेरे साथ होते हुए भी मुझसे बेवफाई करते थे, मेरे साथ होते हुए भी किसी और लड़की से संबंध रखते थे। अगर पहले की बात करें तो पवन सिंह का नाम अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा था, उनका एक रिश्ता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अक्षरा को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी कर लिए, और अगर अब की बात करें तो वो ज्योति को भी छोड़ चुके हैं, और बीच में उनका नाम स्मृति सिन्हा के साथ जुड़ा, रानी चटर्जी के साथ जुड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम डिम्पल सिंह के साथ जुड़ा। तो इस तरह से पवन सिंह का नाम बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा रहा, उनके अफवाहें अफेयर्स की खबरें चलती रही। अब कौन सच था कौन झूठ था, कितना सच था कितना झूठ था, क्या सही क्या गलत था, इसका तो खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए अक्षरा और पवन के रिश्ते की, तो इसकी पुष्टि खुद अक्षरा सिंह ने ही की है, और पवन सिंह ने तो अभी तक इस तरह से मीडिया में कुछ नहीं बोला है, और ज्योति सिंह की बात रही तो ज्योति सिंह ने खुद ही अपने दिल का हाल बता दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो पवन सिंह का औरतों के मामलों में जो छवि है वो थोड़ी धूमिल सी है, लेकिन पवन सिंह स्टेज पर खड़े होकर जब ये बात बोल गए कि आजकल के लड़के लड़कियां धोखेबाज होते हैं, आजकल के कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार का मजाक बना देती हैं, उन्होंने स्टेज पर कहा कि आजकल की फीमेल्स ऐसी हैं जो प्यार से खिलवाड़ करती हैं, प्यार का मजाक बनाती हैं, प्यार के चीज़ों को तवज्जो नहीं देती, अहमियत नहीं देती। तो पवन सिंह की इन बातों को सुनकर झटका तो जरूर लगा। इसी के साथ साथ पवन सिंह ने एक और बात कही स्टेज शो के दौरान। पवन सिंह ने ये कहा कि मैं एक बार जिससे दिल लगा लेता हूँ उसे आजीवन नहीं छोड़ता, उसे आजीवन नहीं भूलता, चाहे फिर वो कोई मेल हो या फीमेल हो। एक तरफ पवन सिंह खुद को दिलदार बता रहे हैं, एक तरफ पवन सिंह खुद को लोगों के प्रति ईमानदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर पवन सिंह की जिंदगी में 3 औरत कैसे आ गई, पवन सिंह की जिंदगी में उनका औरतों के प्रति इस तरह का रवैया कैसे सामने आया, ये सवाल उठता है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, पवन सिंह के इस वीडियो को देखने के बाद, उनके इन बातों को सुनने के बाद, लोग एक बार तो जरूर सोचेंगे कि पवन सिंह अपने मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो कुछ और ही गवाही देती हैं। उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका और उनकी पहली पत्नी और भी जितने लोग उनके लाइफ में आए वो लोग कुछ और ही दर्शाते हैं। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह ने स्टेज पर जो कहा वो सही था, या स्टेज के अलावा जो पवन सिंह करते हैं वो सही है? जो भी आपको लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।